दोस्तों, कम उम्र में हार्ट अटैक आने के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए अगर आपको कुछ खास लक्षण दिखे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की गुरुवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र 40 साल थी और इस उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत से हर कोई हैरान है। दोस्तों, सामान्य तौर पर एक खास उम्र में हृदय से जुड़ी बीमारियां और हार्ट अटैक के मामले सामने आते हैं, लेकिन पिछले एक साल से युवाओं में हार्ट अटैक से मौत के मामले बढ़े हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है वो कारण जिनकी वजह से युवा तेजी से हृदय से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मैं आपका दोस्त सुनील, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल एसके अमेजिंग वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर एक, जंक फूड। जी हाँ दोस्तों, जंक फूड में कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। ज्यादा जंक फूड खाने से भी हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए ज्यादा जंक फूड खाने से हमें बचना चाहिए। नंबर दो, वर्क प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, व्यस्त जीवन शैली और डाइट का ख्याल न रखने की वजह से भी युवाओं में ये समस्या सामने आ रही है। लगातार काम करने का वर्क प्रेशर, घंटों बैठने की आदत और जंक फूड, ये बातें सेहत पर बुरा असर डालती है। वही अगर आप भूख लगने पर जंक फूड खाते हैं तो इसका असर रक्त वाहिकाओं पर पड़ता है। इसकी वजह से कम उम्र में ही आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। नंबर तीन, स्टेरॉइड। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह बॉडी बनाने के चक्कर में युवा घंटों जिम में पसीना बहाते हैं और कई बार न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने लगते हैं। इसमें एम्बोलिक स्टेरॉइड जैसे प्रोडक्ट आपकी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। नंबर चार, नशा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर यंगस्टर 18 से 25 साल की उम्र में ही स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन शुरू कर देते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक युवाओं में दिल से जुड़ी बीमारियों की ये एक बड़ी वजह है। अपने एडिक्शन की वजह से युवा कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज का शिकार हो रहे हैं, जिससे हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। दोस्तों, हार्ट अटैक के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक के लिए ऐसा नहीं है कि ये आपको किसी खास उम्र में आ सकता है, कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ खास लक्षण दिखे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। नंबर एक, नींद ना आना। जी हाँ दोस्तों, नींद ना आना भी हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। नंबर दो, सांस लेने में दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। नंबर तीन, बहुत ज्यादा थकान होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है तो ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। नंबर चार, असामान्य दिल की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिल की धड़कन असामान्य है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर पाँच, पैरों में सूजन। जी हाँ दोस्तों, पैरों में सूजन भी हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। दोस्तों, इन लक्षणों पर गौर करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त सुनील लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।